फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, आप मोबाइल की कीबोर्ड पर कैसे अपने फ़ोटो लगा सकते हैं या जो कीबोर्ड है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो, मेरा नाम है अजय। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक डिजिटल ज्ञान चैनल पर। तो दोस्तों, देख सकते हैं यह है मेरे मोबाइल की कीबोर्ड। तो इस कीबोर्ड को कैसे चेंज किया जाते हैं और इसमें खुद का फ़ोटो या कोई दूसरे का फ़ोटो कैसे लगा जा सकते हैं, तो चलिए देख लेते। दोस्तों, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं सेटिंग से भी दिखाने वाला हूँ, तो अगर आप सेटिंग से करोगे तो आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। जैसे सेटिंग पर जाओगे तो इस तरह का आएगा। तो दोस्तों, इस तरह का आएगा तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एडिशनल सेटिंग्स है, आप वहाँ पर टिक करना है। हर मोबाइल में अलग अलग मोबाइल में अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरह के आने के बाद आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड है आपको वहाँ पर टिक करना है। वहाँ पर जैसे ही टिक करोगे कोई इस तरह का पेज मिलेगा, तो आपको जीबोर्ड पर टिक करना है। जीबोर्ड पर टिक करने के बाद आपको थीम पर चले जाना है। तो दोस्तों, इसको क्या करते हैं मैं आपको डायरेक्ट कीबोर्ड पर दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड पर चले जाना है। जैसे कीबोर्ड पर जाओगे यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड एक सिंपल सा आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे खुद का फ़ोटो लगाना है या कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से भी कर सकते हो, इस थ्री डॉट पे से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो इस जो सेटिंग से आप यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट सेटिंग पे चले जाओगे। उस सेटिंग पर चले जाने के बाद कोई इस तरह का आएगा। तो आपको क्या करना है, दो थीम है, आपको उस थीम पर क्लिक करना है। जैसे थीम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो है, आपको जो फ़ोटो पसंद आते हो उस फ़ोटो को आपको टिक करना है। चलिए मान लेते हैं मैं इस फ़ोटो को टिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस फ़ोटो को टिक करने के बाद कोई थीम जो मोबाइल का कीबोर्ड का ये है इस तरह का आएगा। अगर आप चाहो तो इस तरह का कर भी सकते हो। दोस्तों, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे तो होगा। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड चेंज हो चुकी है। पहले अलग था लेकिन अब अलग हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर फ़ोटो लाना है तब भी आप कर सकते हो। तो इसको करने के लिए फिर से आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरह का पेज फिर से मिलेगा, तो आपको थीम पर चले जाना है। थीम पर चले जाने के बाद आपको जो यहाँ पे जो दिख रहा है माई थीम्स, आपको इस प्लस वाला आइकन पर टिक करना है। यहाँ पर जैसे टिक करोगे कोई इस तरह का आएगा। तो दोस्तों, आपका फ़ोटो जहाँ पर भी है आपको वहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे फ़ोटो को क्लिक करोगे तो सबसे पहले इसको आपका हिसाब से आप ये कर लीजिए। करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हो, ब्राइटनेस थोड़े कमा भी सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, डन पर क्लिक करना है। जैसे डन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आएगा। तो आपको हिसाब से आप कर लीजिए। तो फिर आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद दोस्तों चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अभी देख सकते हैं जो मोबाइल का कीबोर्ड है उस कीबोर्ड पर मेरा फ़ोटो आ चुकी है। दोस्तों, देख सकते हैं इस कीबोर्ड पर मेरे फ़ोटो आ चुके हैं। और आप ऐसे करके मोबाइल के कीबोर्ड पर फ़ोटो लगा सकते हैं और कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो से, तब तक के लिए बाय।